नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक बेहद खास शो लेकर आए हैं जहां पर बात होती है आपकी कमाई की, आपके निवेश की, आपके खर्च की और आपके आर्थिक लक्ष्यों की। किस तरह के निवेश विकल्प, भले ही वो शेयर बाजार हो या इक्विटी बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हो, इंश्योरेंस को लेकर अगर आपको कोई भी दुविधा है या अपने कर्ज से आपको छुटकारा पाना है, तमाम तरह की आर्थिक रणनीतियाँ और वित्तीय रणनीति आपको हम बताते हैं इस शो पर। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं जहाँ पर हमारा फोकस है बाजार के उतार चढ़ाव भरी चाल पर। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आज शो में क्या है खास आपको बताएंगे। और बाजार के उतार चढ़ाव में अगर आप ऐसे निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, छोटी अवधि लंबी अवधि के लिए आपने पैसे लगा रखे हैं, असमंजस में है कि एग्जिट कर लिया जाए या एंट्री का अच्छा मौका है बाजार के लेवल्स को देखकर, बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। खासतौर से अगर आप SIP के जरिए निवेश करते हैं तो कैसे आप मोटा मुनाफा अपने निवेश को जारी रखकर कमा सकते हैं, कंपाउंडिंग का एक जादू कैसे काम करता है आपके निवेश पोर्टफोलियो पर, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। और बाजार में इस तरह का जो मौका है थीमैटिक और सेक्टोरियली अगर आपको कोई कॉल लेनी है तो वो किस तरह के म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप ले सकते हैं, भले ही बजट को ध्यान में रखकर या अगर आप चाहते हैं इलेक्शंस के लिए कोई रणनीति बनाना तो किस तरह के सेक्टर्स और किस तरह की थीम्स पर आपको फोकस करना चाहिए, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव हैं जहां पर आप ये शो देख भी सकते हैं, खासतौर से यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर आप बहुत सवाल हमें भेजते हैं तो यूट्यूब पर हमारे शोज लाइव भी देखिए। और कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं भी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ लाइव, तो अपने सवाल वहाँ पर छोड़िए और मैं आपके सवालों को शो में भी शामिल करूँगी और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। तो चलिए, ये वो नंबर है व्हाट्सएप का 9619873567 जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम लाइव होते हैं, अपने सवाल यूट्यूब पर भी आप छोड़ सकते हैं। शो को आगे बढ़ाते हैं, मिलाती हूं आपको हमारे आज की मेहमान से जो आपके न सिर्फ सवालों के जवाब देगी बल्कि बाजार की इस चाल में आपको कैसे धैर्य धीरज रखना है ये बताएंगी, समझाएंगी। आनंद राठी वेल्थ की श्वेता रजानी मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो श्वेता, इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि बाजार की चाल जो है एक तरह से धराशायी हुई, हालांकि बाद में रिकवरी भी होती हुई हमने बाजार में देखी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है बाजार की डायरेक्शन को लेकर, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं निवेशकों के जहन में, भले ही वो लंबी अवधि का कोई निवेशक हो, पोजिशनली किसी ने कॉल ले रखी हो या छोटी अवधि के लिए हो। अब इस बाजार में निवेश करने को लेकर भी सवाल है और एग्जिट रणनीति बनाने को भी लेकर सवाल है, क्योंकि अगर आप अभी फिलहाल थोड़े से घाटे में दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितना लंबा रुकना चाहिए। ठीक है, एक म्यूचुअल फंड के निवेशक के तहत तो मैं आपसे बाद में सवाल पूछूंगी, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि बाजार में पैसे लगाकर बैठा है, भले ही शेयर्स के जरिए, भले ही म्यूचुअल फंड्स के जरिए, श्वेता क्या राय होगी आपकी? जी कविता जी, आमतौर पर देखा गया है कि जो निवेशक जोखिम लेने के लिए भी तैयार होता है और इसीलिए वो इक्विटी में निवेश करता है, लेकिन जब भी मार्केट में ऐसे थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन मेरी सलाह उनको यही रहेगी कि जब आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी मार्केट का जो नेचर है उसमें एक 7 से 10% की उतार चढ़ाव देखना बहुत ही मामूली बात होती है, तो उससे ना घबराएं। अगर आपने सोच रखा था कि आप 2 से 3 साल तक निवेश कर सकते हैं, आपका उतना समय है, तो आप बिल्कुल आराम से बैठे रहें, कोई डरे ना, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, आपने बस अभी 15 दिन पहले डाली थी और वो घाटे में दिख रही है, कोई बात नहीं, फंडामेंटल्स इंडिया के बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, तो ये थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी के बाद मार्केट बढ़ सकता है, तो अगर 5 से 6 साल की समय की हम बात कर रहे हैं तो क्या आपको वो डबल डिजिट रिटर्न इक्विटी से मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, तो ना घबराएं, डटे रहें। और इसके अलावा जो अभी मार्केट में निवेश करना भी चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है मैं कहूंगी, और इसका फायदा उठाएं और जरूर शुरुआत करें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की। पर अगर निवेश करने के कोई लेवल्स आप ढूंढ भी रहे हैं तो आपको बता दें कि श्वेता, शायद आप लंबी अवधि का ही नजरिया बता रही हैं, क्योंकि लंबी अवधि में बाजार में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वॉलिटिलिटी है हो सकता है हमें शॉर्ट टर्म और नियर टर्म आउटलुक में ही दिखाई दे, लेकिन लंबी अवधि के लिए कोई रणनीति बनानी हो तो क्या बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल बनानी चाहिए, और
अगर आप एक्विटी में वैसे ही अगर निवेश कर रहे हैं तो आप 3-4 महीने के लिए तो नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए। जब आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्विटी में निवेश करना है तो आप 2 से 3 साल के ऊपर का समय पकड़ कर ही चले, और अगर आपने वो करना है तो आप चाहे तो SIP के जरिए, और अगर सारे पैसे अभी अवेलेबल हैं तो लमसम के जरिए भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी, कई बार हम डर जाते हैं कि हम कहीं पीक लेवल पे तो नहीं निवेश कर रहे और यहाँ से मार्केट गिर तो नहीं सकता। लेकिन एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया कि अगर समझ लीजिए कोई एक बहुत ही अनलकी इन्वेस्टर है और उसने हर साल जब उस साल की मार्केट की पीक लेवल थी तभी निवेश किया था तो वो करीबन 10 से 11% की रिटर्न बनाता, और अगर किसी ने बिना सोचे बिना डरे हर महीने SIP के जरिए से निवेश किया होता तो उसकी रिटर्न 12 से 13% की होती। दोनों ही केसेस में अगर आप देखें तो 10% के ऊपर का रिटर्न तो बना ही जो आप इक्विटी से एक्सपेक्ट करेंगे। बस फर्क ये है कि एक ने बिना घबराए कंटिन्यू किया अपना इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा एक अनलकी था जिसने जब भी मार्केट चढ़ गया था तभी निवेश किया। तो ये जी डेटा अगर आप देखें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। तो बहरहाल यहाँ पर जो डेटा दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से वो SIP का भी है, और अगला सवाल मुझे आपसे वो भी पूछना है क्योंकि बहुत सारे SIP के निवेशक हैं जो हमसे सवाल पूछते रहते हैं, और अगर वो कमोबेश 4-5 साल से SIP कर भी रहे हों और अभी फ़िलहाल, क्योंकि श्वेता बहुत सारे लोगों को अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप्स के चलते मुनाफा दिख रहा है क्योंकि उनके फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, सबको ये लगता है कि क्या हम मुनाफा बांध लें। SIP के जरिए भले ही हम निवेश कर रहे हैं लेकिन अगर बाजार गिरेगा तो कहीं ना कहीं हमारे फंड की परफॉर्मेंस और हमारे फंड की NAV तो नीचे जाएगी और हमारा जो मुनाफा हमने कमाया हुआ है वो भी तो घटेगा। तो SIP के जरिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, मुनाफा आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो क्या आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? श्वेता जी, यहां मैं कहूंगी कि बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना पोर्टफोलियो एक बारी रिव्यू कर लें, और जैसे आपने शुरुआत करी थी तो आपके पूरे पोर्टफोलियो को मिला के आप 50% इक्विटी थे, अब अगर वो 50 समझ लीजिए 70% हो गया है तो आपको जरूर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए, 60% के आसपास तो वो आप प्रॉफिट बुक कर लें। वो एक रूल हो गया कि मेरे पोर्टफोलियो में मुझे 60% के ऊपर का इक्विटी नहीं चाहिए, तो ये आपने जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज, लार्ज मिड स्मॉल की जो एलोकेशन होती है, आपने शुरुआत करी होगी तो समझ लीजिए आपने 25% की स्मॉल कैप की आपको चाहिए थी, और वो क्योंकि स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर गया है आज 25% से 40% हो गया है तो वो भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं और नीचे आ जाना चाहिए। तो मैं बॉटम लाइन ये है कि आप देखें आपका रूल क्या था, आपकी रिक्वायर्ड एलोकेशन क्या थी। अगर आप उससे बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं तो वो हो जाता है एक रीबैलेंसिंग जो आपको हर साल करना चाहिए, मार्केट ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो वो आपने करना चाहिए। इस समय में वो ये हो जाएगा कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, किसी दूसरे समय में ऐसा हो सकता है कि आप अपना पोर्टफोलियो करेक्ट कर रहे हैं एलोकेशन के लिए, तो आपने जरूर करना चाहिए बट रूल बेस्ड होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एक और चीज़ मेरे ख्याल से जो SIP का फंडा है ना वो समझाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाजार की हर चाल में अगर आप अनुशासित तरीके से डिसिप्लिन तरीके से हर महीना ईमानदारी से पैसे लगाते हैं और बाजार की हर चाल में अगर आप निवेश करते हैं तो बाजार के शिखर पर अगर आपने निवेश किया है, देखिए ये डेटा भी हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और श्वेता आप भी देख सकती हैं ये डेटा, देखिए 5 साल में अगर आपने निवेश किया है तो आप रेगुलर SIP के जरिए आपको 14% का मुनाफा हुआ है, ठीक है, जबकि शिखर पर अगर आपने केवल निवेश किया तो यहाँ पर 10% कमाई हुई है। कमोबेश 5 और 10 साल में देखिए आपको उतनी ही कमाई हुई है लेकिन रेगुलर SIP के जरिए अगर आपने निवेश किया है तो आपका निवेश बढ़ा है, और 25 साल में भी हमने देखा है कि ये SIP के जरिए रेगुलर SIP के जरिए आपका निवेश बढ़ा है। अब सवाल किसी को अगर पूछना हो श्वेता ये डेटा को देखकर तो यही आता है कि बाजार के उच्चतम स्तर पर तो हमने निवेश किया, ठीक है, तो मुनाफा हमें क्यों हो रहा है? अच्छा SIP के जरिए आप कह तो रहे हैं कि मुनाफा हो रहा है लेकिन शिखर पर और रेगुलर SIP में अगर आप देखें तो 5 साल में कितना 4% के आसपास का फर्क है, 10 साल में 2% का, और 25 साल में भी उतना ही फर्क है, उतना ही फायदा आपको मिल रहा है 4 और 2% के आसपास। तो एक तो मुनाफा कम क्यों और दूसरा शिखर पर निवेश कर रहे हैं तो SIP में फायदा क्यों, दो सवाल। जी सबसे पहले सवाल जो आपने पूछा, अगर हम लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो फायदा कम क्यों, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जो कंपाउंडिंग का फर्क है
वो लंबे समय में ज्यादा दिखता है। अगर मैं 3% की बात कर रही हूँ ना, 3% का अगर फर्क है 10 साल में, तो वो इतना ही है जैसे अगर आपने 1 करोड़ निवेश किया था तो वो आपको 1 करोड़ एक्स्ट्रा आ रहा है। ये कंपाउंडिंग का फायदा होता है जो आपको लंबे समय में मिलता है। दूसरी बात, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, एक्विटी की जो वॉलिटिलिटी है वो घटती जाती है, जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं उसकी गैप घटती जाती है जैसे जैसे समय लंबा होते जाता है। इसीलिए 5 साल के समय के लिए आप देख रहे हो 10 और 14, जैसे ही वो 10 साल 15 साल 20 साल होते जाएगा, वो 2%, 1.5% ऐसा कम होते जाएगा। ये हमें बताता है कि आप क्या मार्केट टाइमिंग करने की जो कोशिश करते हो वो इतना लंबे समय में मैटर नहीं करता। तो आप उतार जब मार्केट उतर रहा है तब आप निवेश करें, या मार्केट जब बढ़ रहा है तब आप निवेश करें, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप 10 साल के ऊपर की अवधि सोचकर निवेश कर रहे हैं तो। सॉरी कविता जी, आपका दूसरा प्रश्न मैं शायद भूल गई, आप रिपीट करेंगे। कम सर पे अगर SIP कर रहे हैं तो फायदा क्यों कम? तो मेरे ख्याल से कमोबेश आपके पहले जवाब में ही वो भी सम्मिलित हो ही गया एक तरह से। और क्योंकि आप कंपाउंडिंग की पावर की भी बात कर रही थी, तो हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे SIP का भी एक गणित रखा है, जहाँ पे देखिए कितने लाख का आप निवेश करते हैं। 6 लाख का अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 11,61,000 के आसपास का फायदा होता है। और उतना ही 15 और 20 साल में भी आप देखिए कैसे आपके पैसे जो है वो दोगुने हो रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप कंपाउंडिंग का जादू तभी ही काम करेगा जब आप नियमित तरीके से निवेश करते रहे, उस निवेश में से निकले नहीं बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद भी। और SIP के जरिए आप निवेश करते हैं, खासतौर से बाजार की गिरावट में अगर आप अपनी SIP बढ़ा देते हैं, क्योंकि SIP के बहुत सारे फीचर्स हैं। और एक फीचर श्वेता आप समझाएंगे विस्तार से, एक फीचर ऐसा भी है कि आप टाइम टू टाइम बाजार की चाल को देखते हुए भी SIP की राशि बढ़ा सकते हैं। जिस दिन बाजार आपको लगा कि गिर रहा दिखाई दे रहा है, SIP ऐड कर दो या बढ़ा दो। नहीं, बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। अगर आप वो देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो आपके पास अगर वो पैसे हैं तो आप SIP के थ्रू अपनी SIP बढ़ा लें, और जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल्स बढ़ रही है आप SIP बढ़ा लें। अब कविता जी, जो आप डेटा दिखा रही थी ना, वहां पे कंपाउंडिंग का जो एक बेनिफिट होता है मैं आपको बताऊंगी। अब पहला एग्जाम्पल जो आपने दिया था, 6 लाख अगर हम निवेश कर रहे हैं SIP के जरिए 10 साल के लिए, तो आपका करीबन 11.5 लाख होता है। जैसे समय डबल हो जाता है, यही अगर आपने 20 साल के लिए करा होता तो 6 लाख का अमाउंट अगर आप वही कर रहे होते तो आपको करीबन 23 लाख पर ले जाता। अब समय और अमाउंट दोनों ही डबल होने पे वैसे तो आप 46 लाख पे पहुंच जाते, लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो कंपाउंडिंग का फर्क है, आप रिटर्न के ऊपर और रिटर्न बना रहे हैं, वो आपको 50 लाख पे ले जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि जैसे जैसे आपका रिटर्न बढ़ता है उस पर जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमको मिलता है वो और ज्यादा होता है। तो इट्स इट्स नॉट कि 11 और 11 23 हो गया, लेकिन वो 23 नहीं होके आपको 26 मिलेगा, क्योंकि वो कंपाउंडिंग ज्यादा अमाउंट पे हो रही है। तो SIP बहुत फायदेमंद होती है, एक डिसिप्लिन लाती है, और आपको मार्केट लेवल से नहीं घबराना चाहिए, अपनी SIP हर मार्केट लेवल पे कंटिन्यू करनी चाहिए। जवाब देने का वक्त आ गया है, श्वेता रजानी मेरे साथ बनी हुई है। और श्वेता, मिथिलेश का सवाल मैं लूंगी, झटपट आप जवाब दीजिएगा। ये कर रहे हैं 14,000 रुपये की मासिक SIP, और इनके फंड्स जो पोर्टफोलियो में है उनकी डिटेल्स आपके पास है। 15 से 20 साल में इनको चाहिए 1 करोड़, और इन्हीं फंड्स को लेकर ये चाहते हैं कि आप रिव्यू करें। जी कविता जी, तो मिथिलेश का सबसे पहला जो उनका लक्ष्य था 1 करोड़ तक पहुंचने का, तो सबसे पहली बात तो मिथिलेश, अगर आप 14,000 की SIP कर रहे हैं 15 साल के लिए, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, मैं आती हूँ आपके स्कीम्स पर। दो फंड्स जो आपके इस पोर्टफोलियो में अच्छे हैं वो आप कंटिन्यू करें, एक तो हो गया क्वांट का स्मॉल कैप फंड, उसके अलावा कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड। ये दो फंड सही हैं, इनमें SIP जारी रखें। इसके अलावा आपके जो फंड्स हैं, मैं आपको SIP रोकने की सलाह दूंगी। उन फंड्स की जगह पर आप 2-3 नए फंड्स जोड़ सकते हैं। कोटक का एक मल्टी कैप फंड आप जोड़ लें अपने पोर्टफोलियो में, इसके अलावा HDFC का स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रू का फोकस इक्विटी फंड, ये 3 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। तो 3 और आपके जो 3 फंड हैं, 6 फंड का आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सवाल श्वेता, योगेश कुमार का मैं लूंगी। SBI कॉन्ट्रा, निप्रॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप इनके पास है, और 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं 5 फंड्स में 15 से 20 साल के लिए।
जी तो योगेश जी, आपके भी अगर आप SIP जारी रखेंगे तो करीबन आप 80 लाख पे, एक लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। ये आप देख लें, अगर आप SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं हर महीने तो फिर आप जरूर उसको कीजिए। और दूसरा आते हैं आपके स्कीम्स पे। आपकी स्कीम्स काफी हद तक सारी स्कीम्स अच्छी है, बस दो फंड बदलने की मैं सलाह आपको दूंगी। सबसे पहला आईप्रू का ब्लू चिप फंड और दूसरा फंड निपॉन का स्मॉल कैप फंड। निपॉन स्मॉल कैप हालांकि बहुत अच्छा कर चुका है, लेकिन साइज को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ SIP रोक लें। इसके अलावा आप इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड और एक कोटक का एमर्जिंग फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल मैं ज्ञानेश का लूंगी, और मेरे ख्याल से इसी सवाल के साथ हम सेक्टर और थीमेटिक फंड्स पर भी बात कर पाएंगे श्वेता, क्योंकि इन्होंने जो निवेश किया हुआ है, इनके पास एक तो कमोडिटीज़ का फंड है ICICI का, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ब्लू चिप है। 8 साल के लिए इनको चाहिए 1 करोड़ रुपये। तो ज्ञानेश को तो आप सलाह दे ही दें, और साथ ही सेक्टोरली किसी को रणनीति अपनानी हो तो फिलहाल क्या सही समय है? जी ज्ञानेश जी, आपका लक्ष्य 1 करोड़ का है, लेकिन आप जिस आप 5 हजार के आसपास की SIP कर रहे हैं, इससे आप 10 लाख पर ही पहुंचेंगे। तो आपने या तो आप 30 हजार की SIP से शुरुआत कर लें, अगर आप वो नहीं कर सकते तो हर साल 20 से 25% अपनी SIP की अमाउंट बढ़ा लें। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दूसरा आते हैं स्कीम्स पे। तो जैसे हम बात कर रहे थे, आपके पास एक कमोडिटी फंड है जो अच्छा नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपको SIP रोक देनी चाहिए। इसके अलावा निपॉन का स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल का मिड कैप फंड, यहाँ आप SIP रोक लें। इनके अलावा जो स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, मिराय का एक फोकस इक्विटी फंड और HDFC का डिविडेंड यील्ड फंड और क्वांट का एक्टिव फंड, ये 3 फंड आप जोड़ लें। कविता जी, आप सेक्टर फंड की बात कर रहे थे, तो उसके लिए मैं अभी बताना चाहूंगी कि सेक्टर फंड में बहुत जरूरी होता है टाइमिंग। आप किस समय निवेश कर रहे हैं और किस समय आप निकल जाएंगे उस सेक्टर में से। अगर आपने अपनी पढ़ाई करी है और आप उतना समय व्यतीत कर रहे हैं वो सेक्टर को समझने के लिए, तब आप सेक्टर फंड में निवेश करें। अगर आप वो नहीं कर रहे तो एक डाइवर्सिफाइड फंड अपने पोर्टफोलियो में होना बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कुछ डेटा भी हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं श्वेता, मैं चाहती हूँ कि आप उस डेटा को भी समझाएं, क्योंकि आप सेक्टोरल फंड का प्रदर्शन यहाँ पर बता रही हैं बेंचमार्क के तुलना में, और साथ में थीमेटिक फंड्स का प्रदर्शन बता रही हैं बेंचमार्क की तुलना में। तो यहाँ पर कुछ खास उत्साहजनक नंबर्स नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं बेंचमार्क की तुलना अगर की जाए तो। जी बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो जब हम सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड की बात करते हैं, मैं सबको बताना चाहूंगी उनकी जानकारी के लिए कि जब हम सेक्टर बोलते हैं ना, तो हम एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे फार्मा फंड हो गया, IT फंड हो गया। लेकिन जब हम एक थीमेटिक फंड की बात कर रहे हैं, तो हम दो तीन सेक्टर को जोड़ रहे हैं, जैसे PSU, MNC, एमर्जिंग मार्केट इक्विटी, ये हो जाता है। अब कई बार जब हम पूरा डेटा देखते हैं तो दोनों को ही एक साथ मिला के देखते हैं, और यहाँ देखा गया है कि जैसे कविता जी डेटा फ्लैश कर रही थी थोड़े समय पहले, काफी सारे फंड्स यहाँ देखे गए हैं कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। क्यों इस कारण होता है, जैसे हम देखें तो बेंचमार्क में आपके जैसे लार्ज मिड स्मॉल तीनों ही तरह के स्टॉक्स होते हैं वो पर्टिकुलर बेंचमार्क के लिए भी, और हर कोई एक साथ नहीं परफॉर्म कर रहा होता। दूसरी बात, जब आप फंड में बात निवेश कर रहे हैं तो फंड का खर्चा भी होता है, चाहे आप उसको कितना भी पैसिवली मैनेज कर ले, तो उस खर्चे के वजह से यहाँ पर कई बार देखा गया है कि एक अंडर परफॉर्मेंस भी आती है। एक तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए जब हम सेक्टर फंड की बात करते हैं ना, तो उदाहरण के तौर पर 2020 में फार्मा सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर था और करीबन आपको 70% की रिटर्न दे रही जी थी। 2019 में वही सबसे पुराना बुरा सेक्टर था। तो ये साइकिल का टाइमिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल मुझे शो पर लेना है, नरेंद्र पवार का। HDFC स्मॉल कैप और HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, 15 साल में 1 करोड़, और दोनों फंड में 3-3 हजार रुपए की SIP ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर 1 करोड़ का लक्ष्य है तो 6 हजार की SIP बहुत ही कम है, आपने SIP बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं दोनों फंड में से एक फंड चुनना एक फंड चुनना चाहूं, तो मैं HDFC की स्मॉल कैप फंड आपको कहूंगी कि यहाँ आप SIP जारी रखें। HDFC मिड कैप एक तो साइज के हिसाब से बहुत ही बड़ा फंड है, और दोनों के ही फंड मैनेजर सेम है,
फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं चिराग, लेकिन मैं उनका एक ही फंड चुनना चाहूंगी जो स्मॉल कैप का होगा। अगर आप मिड कैप की एलोकेशन लेना चाहते हैं तो आप कोटक एमर्जिंग ले लें, या उससे बेहतर ये भी होगा कि आप एक मल्टी कैप फंड ले लें। तो कोटक का मल्टी कैप या क्वांट एक्टिव, ये आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से इसी के साथ आज का समय समाप्त हो चुका है। श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया तमाम पहलुओं पर। इसी के